हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड के स्ट्राइकर ऑप्शंस की। इस सीजन यूनाइटेड की परफॉर्मेंसेस देख के ये बात क्लियर हो गई है कि यूनाइटेड नीड अ न्यू स्ट्राइकर, जिससे वो रैशफोर्ड के गोल्स पे ही डिपेंडेंट ना रहे। रोनाल्डो के जाने के बाद यूनाइटेड ने वेगहोर्स्ट को शॉर्ट लोन पे साइन किया। वेगहोर्स्ट का वर्क रेट अच्छा है, पर ही इज नॉट स्कोरिंग गोल्स, विच ऑब्वियसली इज द मोस्ट एसेंशियल पार्ट। और एंथनी मार्टियल ने अपना ज्यादातर टाइम इस सीजन ट्रीटमेंट टेबल पे गुजारा है। दैट मीन्स कि समर में यूनाइटेड को एटलीस्ट एक स्ट्राइकर बाय करने की जरूरत है। आज हम उन स्ट्राइकर्स की बात करने वाले हैं जो यूनाइटेड कंसिडर कर सकती है टू बाय फॉर द समर। बेस्ट प्रॉस्पेक्ट्स: हैरी केन। हैरी केन इज अ प्रूवन गोल स्कोरर इन द प्रीमियर लीग। अगर यूनाइटेड केन को साइन करती है तो दे कैन बी कंसिडर्ड टाइटल कंटेंडर्स फॉर नेक्स्ट सीजन। जैसे टॉटनहैम में केन की सोन के साथ एक पार्टनरशिप थी, वैसे ही वो यूनाइटेड में रैशफोर्ड के साथ बना सकता है। और स्पर्स की तरह केन पर चांस क्रिएशन का बर्डन नहीं रहेगा बिकॉज ऑफ ब्रूनो एंड एरिक्सन। ये साइनिंग हो सकता है रॉबिन वैन पर्सी की साइनिंग की तरह गेम चेंजिंग हो यूनाइटेड के लिए। लेकिन यूनाइटेड के लिए टॉटनहैम के चेयरमैन डैनियल लीवी के साथ नेगोशिएट करना मुश्किल रहेगा, क्योंकि वो अपनी टफ नेगोशिएशन स्किल्स के लिए जाने जाते हैं। केन समर में 30 साल के हो जाएंगे और उनका कॉन्ट्रैक्ट 2024 में एंड हो रहा है, पर फिर भी चांसेस हैं कि यूनाइटेड को केन के लिए अराउंड 100 मिलियन पे करना पड़ेगा। विक्टर ओसिमहेन। विक्टर ओसिमहेन इज इन द फॉर्म ऑफ हिज लाइफ। वो सीरिया के लीडिंग गोल स्कोरर चल रहे हैं और नेपोली को शायद अपना पहला लीग टाइटल जितवा पाए इन मोर देन 30 ईयर्स। ओसिमहेन फास्ट हैं और अब उन्होंने अपनी गोल स्कोरिंग एबिलिटीज भी प्रूव कर दी है। एज भी अभी सिर्फ 24 साल है, पर ओसिमहेन को बाय करना यूनाइटेड को महंगा पड़ सकता है, क्योंकि बहुत क्लब्स और भी हैं जो ओसिमहेन को साइन करना चाहते हैं और नापोली ओसिमहेन को नहीं बेचना चाहती। इस वजह से ओसिमहेन यूनाइटेड को 120 मिलियन से ज्यादा के पड़ सकते हैं। अदर ऑल्टरनेटिव्स: रैंडल कोलो मुआनी। रैंडल कोलो मुआनी बुंडेसलीगा में गोल कंट्रीब्यूशंस की लिस्ट में फर्स्ट चल रहे हैं और वर्ल्ड कप में फ्रांस के साथ भी उनका अच्छा परफॉर्मेंस रहा। कोलो मुआनी एक क्लिनिकल स्ट्राइकर हैं जो गोल्स के साथ बहुत असिस्ट भी प्रोवाइड करते हैं। वो यूनाइटेड को 80 मिलियन से ज्यादा के पड़ सकते हैं, क्योंकि कोलो मुआनी अभी सिर्फ 24 साल के हैं और उनके कॉन्ट्रैक्ट में अभी 4 साल और बाकी हैं। गोंचालो रामोस। गोंचालो रामोस का बेनिफिका के साथ ये ब्रेक थ्रू सीजन रहा है। ही कैन विन द लीग एंड आर इन द क्वार्टर फाइनल ऑफ द चैंपियंस लीग। एक प्रॉपर नंबर 9 जो अपने ज्यादातर गोल्स पेनल्टी एरिया के अंदर से मारते हैं। उन्होंने वर्ल्ड कप में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया जब भी उनको चांस मिला। यूनाइटेड को गोंचालो रामोस के लिए 80 मिलियन से ज्यादा पे करना पड़ सकता है। वो इस समर सिर्फ 22 साल के होने वाले हैं और यूनाइटेड की लास्ट साइनिंग पोर्चुगीज लीग से वन ऑफ द बेस्ट साइनिंग्स रही है रीसेंट इयर्स की इन ब्रूनो फर्नांडेस। डूसान व्लाहोविच। डूसान व्लाहोविच भी एक कंप्लीट नंबर 9 है जो पेनल्टी बॉक्स में राइट रन और पोजिशनिंग की वजह से अपने मोस्ट गोल स्कोर करते हैं। इस सीजन वो इतने कंसिस्टेंट नहीं रहे हैं, बट नो वन कैन डाउट हिज अबिलिटी टू स्कोर गोल्स फॉर ईयर्स टू कम। अगर यूवेंटस चैंपियंस लीग में क्वालिफाई नहीं करती है तो यूनाइटेड व्लाहोविच को टारगेट कर सकते हैं। वो भी यूनाइटेड को क्लोज टू 100 मिलियन कॉस्ट करेंगे। लोटारो मार्टिनेज। लोटारो मार्टिनेज इस समर में 26 साल के हो जाएंगे, जो यूजुअली स्ट्राइकर्स के पीक एज ब्रैकेट में कंसिडर किया जाता है। मार्टिनेज ने इंटर के लिए कॉन्स्टेंटली स्कोर किया है ओवर द ईयर्स। वर्ल्ड कप जीतने के बाद भी उनकी परफॉर्मेंस क्रिटिसाइज करी गई थी, बट ही इज स्टिल अ ग्रेट गोल पोचर और ये भी यूनाइटेड को 80 से 100 मिलियन कॉस्ट कर सकते हैं। जोनाथन डेविड। जोनाथन डेविड लीग उन में लील के साथ गोल्डन बूट रेस लीड कर रहे हैं अलॉन्ग विद एम्बापे। वो अपनी पेस का यूज करके अपने लिए चांसेस क्रिएट करने की ट्राई करते हैं और कुछ सीजन से कंसिस्टेंटली गोल स्कोर कर रहे हैं। जोनाथन डेविड यूनाइटेड को 70 से 80 मिलियन कॉस्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो अभी सिर्फ 23 साल के हैं। मोहम्मद कुडूस। मोहम्मद कुडूस के लिए यूनाइटेड को फिर से आईएक्स के साथ डील करना पड़ेगा। कुडूस यूजुअली नंबर 10 पोजीशन पे या एज अ विंगर खेलते हैं, पर ही हैज ऑल्सो प्लेड एज अ स्ट्राइकर फॉर आईएक्स व्हेन नीडेड। कुडूस एक वर्सेटाइल प्लेयर है जो सिर्फ 22 साल के हैं अभी
एंड दैट्स व्हाई आईएक्स रेट्स हिम वेरी हाईली। और इसी वजह से आईएक्स कुडूस को 100 मिलियन के अराउंड ही सेल करेगी। यंग प्रॉस्पेक्ट्स, रास्मस होयलुंड। रास्मस होयलुंड सिर्फ 20 साल के हैं और एटलांटा और डेनमार्क के राइजिंग स्टार हैं। उन्होंने इस सीजन अपनी मोस्टली अपीयरेंसेस ऑफ द बेंच की हैं, बट ही टर्न्ड हेड्स विद हिज परफॉर्मेंसेस आफ्टर द वर्ल्ड कप विद 5 गोल्स इन 2 गेम्स फॉर डेनमार्क इन यूरोपियन क्वालिफायर्स। होयलुंड की प्लेयर प्रोफाइल बहुत सिमिलर है हालैंड के साथ। वो अभी एक रॉ प्लेयर है, पर ही हैज द क्वालिटीज टू बी द मेन स्ट्राइकर फॉर यूनाइटेड इन नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स। होयलुंड यूनाइटेड को अराउंड 60 मिलियन कॉस्ट कर सकते हैं। एविन फर्गसन। एविन फर्गसन स्टिल अ टीनेजर, ब्राइटन के मेन स्ट्राइकर रहे हैं इस सीजन जब से उन्होंने फर्स्ट टीम में ज्वाइन किया है। ही कैन बी वन फॉर द फ्यूचर और यूनाइटेड के लिए एक बहुत बढ़िया बैकअप स्ट्राइकर बन सकते हैं अंटिल ही इज रेडी टू लीड द टीम। फर्गसन भी यूनाइटेड को 60 मिलियन के करीब कॉस्ट कर सकते हैं। चीप ऑप्शन, मार्कस थुरम। मार्कस थुरम को यूनाइटेड एज अ फ्री एजेंट साइन कर सकती है इन द समर। थुरम बोरुसिया मंचनग्लैडबैक के लिए एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहे हैं और एक वर्सेटाइल प्लेयर भी है। ही कैन प्ले ऑन द विंग एंड एज अ स्ट्राइकर। अगर यूनाइटेड एक चीप ऑप्शन चाहती है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फंड्स, तो थुरम उनके लिए एक ऑप्शन हो सकते हैं। थैंक यू गाइज फॉर लिसनिंग। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। Until next time, namaste.